हेलो दोस्तों, ऑल इन वन सर्विस में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम शैलेंद्र विश्वकर्मा है और मेरी फर्म का नाम है ऑल इन वन सर्विस। मैं आज आपको एक सोनी का फॉल्ट बताने वाला हूँ जो सोनी के एलसीडी में आता था और बहुत जनरल प्रॉब्लम है, और 6 7 साल 8 साल के बाद में प्रॉब्लम आता ही आता है सोनी एलसीडी में। पहले मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। हमने इसे ऑन किया, सोनी लिख के आया और ये पिक्चर चालू हो गया। हमने ऑडियो वीडियो से कनेक्ट करके रखा है उसे, तो ये पिक्चर भी स्टार्ट हो गया। अभी आपको शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए अभी भी, लेकिन आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, पिक्चर पूरी ब्लर चल रही है। और आप देखेंगे एलईडी एलसीडी के ऊपर स्क्रीन पे हाथ लगाएंगे तो बहुत सॉफ्ट और चिकना होता है, लेकिन ये पूरा खुरदुरा हो गया है। ये देखिए रफ हो गया है पूरा स्क्रीन इसका। ये प्रॉब्लम इस कारण से आता है क्योंकि एलसीडी में होता है सीएफएल, और सीएफएल होता है हीट। हीटिंग के कारण इसके ऊपर का पोलराइजर ओवर हीट होने के कारण जल जाता है, लेकिन बहुत माइनर तरीके से होता है ये। ठीक है, माइनर तरीके से होने के कारण होता यूं है कि ये हमें पता नहीं चलता और धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ता बढ़ता चल जाता है। इसकी एक आदत पड़ जाती है देखने की, कोई भी चीज धीरे धीरे खराब होती है तो उसकी एक आदत पड़ जाती है। हम ऐसे ही कोई नया टीवी देखेंगे तो हमें लगेगा अरे यार हमारा टीवी कितना गंदा चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके अभी ये प्रॉब्लम है, आपके टीवी में इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम है, तो वो सॉल्व हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। टीवी को पहले बंद करते हैं। मैं जो करने वाला हूँ वो आपको ऐसा लगेगा, आप शायद देख नहीं पाएंगे, आपको ऐसा लगेगा हमारे टीवी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका ट्रिक ही यही है। ये मैंने थर्माकोल कटर लिया है, आपने दोस्तों घर में मिठाई बनाई है कभी? वो मिठाई बनाते हैं तो जब वो मिठाई को ऐसा जमा देते हैं ट्रे में, उसके बाद में उसकी चकतियां काटते हैं, तो सेम उसी तरीके से हमें इसका पोलराइजर काट काट के निकालना पड़ता है। अभी इसे चारों साइड से हमने इसको अलग कर दिया। अब हम इसको इस तरीके से निकालना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से निकलेगा। लेकिन आप कभी भी घर में ऐसा ट्राई नहीं करना, नहीं तो पैनल डैमेज हो जाएगा। इसके जस्ट नीचे क्रिस्टल ग्लास होता है और वो बहुत जल्दी डैमेज होता है। कभी आपने देखा होगा आपके आस पड़ोस में बच्चों ने कुछ टीवी पे मार दिया और तो डैमेज हो जाता है, कांच चटक जाता है, तो वही चीज होती है इसके अंदर भी। सेम ग्लास है, सभी एलसीडी एलईडी में पोलराइजर लगा हुआ रहता है, लेकिन क्या है कि वो आपको दिखता नहीं है, लेकिन जस्ट पोलराइजर के नीचे ही क्रिस्टल ग्लास होता है और क्रिस्टल ग्लास डैमेज होने का डर रहता है। हम लोग जो इस पे प्रेशर दे रहे हैं वो उतना ही दे रहे हैं कि इसका जो क्रिस्टल ग्लास है वो डैमेज ना हो। ये देखिए इस तरीके से पूरा निकल जाएगा। हम इसे पूरा साफ करेंगे पहले, और अब आपको दिखाते हैं कि इसके पीछे क्या होता है ऑन करके। ये जितने जगह का भी हमने पोलराइजर निकाल दिया है वहां पे व्हाइट स्क्रीन हो गया है। ये देखिए इधर पिक्चर बन रहा है, इधर पे व्हाइट स्क्रीन हो गया है। अब जैसे जैसे हम इसको निकालते जाएंगे पूरे टीवी पे व्हाइट स्क्रीन होता चला जाएगा। ये देखिए व्हाइट स्क्रीन हो गया। तो इस तरीके से हम इसको पूरा साफ करेंगे पहले। और दोस्तों इस प्रोसेस में कम से कम 2 से 3 घंटा लगता है। अभी ऐसा नहीं है कि ये साफ हो गया है, बंद करके फिर से दिखाता हूं। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये साफ हो गया है, लेकिन ये साफ नहीं हुआ है, इसको प्योर साफ करना पड़ेगा। अभी इसके बाद में 2 3 लेयर होती है इसके नीचे। अभी पोलराइजर निकला ऊपर का, अभी इसके नीचे ये गम भी होता है। ये देखिए जो गम निकल रहा है ना, और ये गम भी पूरे तरीके से साफ होना चाहिए। अभी हम आपको थोड़ी देर के बाद में बताएंगे कि उसको पूरा साफ करने के बाद में कि हम आगे के क्या प्रोसेस करने वाले हैं। देखिए पूरा अच्छे से साफ हो गया है।
और अभी हम इसको, अभी भी थोड़ा थोड़ा सा बचा है लेकिन फिर भी काफी साफ हो गया है। देखिए अब इसको हम एसीटोन से साफ करेंगे, इसमें थोड़ा सा एसीटोन डालेंगे और कपड़ा जो लेना है आपको एकदम साफ लेना है, कॉटन लेना है। ये अच्छे से साफ हो गया है, अब हम इसको ऑन करके देखते हैं। देखिए ऑन हो गया है और हमने इसमें ऑडियो वीडियो लगा दिया जिससे कि हमें पिक्चर दिखे। अब पिक्चर तो आपको दिखनी नहीं है क्योंकि इसका जो ऊपर का पोलराइजर था वो हमने निकाल दिया। अब हम इस पे पोलराइजर लगा के दिखाते हैं कि पिक्चर कैसे बनता है। ये फिल्म होती है, मैंने दो फिल्म मंगाई है क्योंकि एक सेट और है मेरे पास में, उसे भी करना है। फिल्म को हटा लेते हैं। देखिए ये पोलराइजर फिल्म होती है, ये इस पे हम पेस्ट करेंगे। वही आप देख रहे होंगे कि हमने जब फिल्म को ऐसे लगाया तो पिक्चर क्लियर है। देखिए होता ये है इसमें कि ये आगे और पीछे से दोनों साइड से अलग अलग होती है पोलराइजर। अगर हम इसको उल्टा लगा देंगे पोलराइजर को तो रेम्बो बनेगा, जैसे अभी आपको दिख रहा होगा रेम्बो बन रहा है, ये रेम्बो दिखेगा। अगर ये फिल्म सीधा नहीं लगेगा तो हमें पूरा कलर के पेचेस दिखेंगे पिक्चर पे। हमें इसे सीधा देखना है पहले कि कौन सा साइड इसका सीधा है, इसमें कुछ लिखा हुआ तो नहीं होता है। पहले क्या मार्किंग देते थे, अब वो मार्किंग भी बंद कर दिया है इन लोगों ने देना है। अब वो कंपनी वाइज अलग अलग कंपनियां इनको बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, तो वो पहले मार्किंग डालते थे, अभी कोई मार्किंग नहीं डाला हुआ है। तो हमें इसे ऐसे ही पलट के देखना पड़ता है कि किस साइड से हमें पिक्चर क्लियर दिख रहा है। तो हमें इस साइड से पिक्चर क्लियर दिख रहा है तो हमें इस पोलराइजर को ऐसे ही इस पे इंस्टॉल करना है। अभी इंस्टॉल करने के लिए अब हम पूरा सेट खोलेंगे और सेट खोलने के बाद में पैनल को बाहर निकालेंगे और फिर पैनल को पैनल पे पोलराइजर को हम फिट करेंगे। अब हमें टीवी खोलना पड़ेगा पैनल बाहर निकालने के लिए। आपको कभी भी इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, मेरे टेक्नीशियन भाई अगर काम करते हैं तो, कि जब भी हम इसको खोलेंगे तो हम अक्सर ये ऑडियो का जो जेक है यहाँ से निकालना भूल जाते हैं। अगर इसको नहीं निकालेंगे और आप सीधे यहाँ से स्पीकर को रिमूव कर देंगे तो उससे होगा ये, आपकी साउंड आईसी शॉर्ट होने का भी डर है, या साउंड आप जब टीवी को सेट को ओके कर लें तो पता लगे आपका फिर साउंड ही नहीं बने उसमें। तो साउंड नहीं आने का कारण ये होता है कि ये जो वायर्स होते हैं ये बॉडी से टच हो जाते हैं, इस कारण से साउंड में दिक्कत आ जाती है। तो सबसे पहले उसको यहाँ से भी रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ से भी रिमूव कर दीजिए तो वो कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। फिर ये वायर अगर बॉडी से टच भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हमें यहाँ से रिमूव कर दिया, ये स्पीकर अलग हो गए हमारे। अब तो हम पैनल को बाहर निकालेंगे। तो ये हमने इसके सारे स्क्रू खोल लिए हैं, तो हम पैनल को बॉडी से अलग करेंगे। अब थोड़ा और सेफ्टी बढ़ाने के लिए हम इसमें नीचे से बेस दे देंगे ताकि जब हम इस पे काम करेंगे तो हमारे मदरबोर्ड और पावर सप्लाई पे कोई जर्क ना आए या कोई कंपोनेंट उसका लूज ना हो जाए। तो उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं, नीचे उसके बेस पे हम लोग
इस तरीके से उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं। उसको चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर दिया है ताकि उसके मदरबोर्ड या पावर सप्लाई पे कोई जर्क ना आए। इस टीवी में मॉइस्चर भी काफी है क्योंकि जो स्क्रूज में लगे हुए हैं पूरा जंग खा गए हैं। देखिए तो मुझे लगता है खुलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करेंगे, बाकी नहीं कर रहे हैं। ऊपर की फ्रेम को खोल लिया है, अब पैनल को थोड़ा रिलीफ मिलेगा, पैनल हमारा बाहर आ जाएगा। डबल कप वाला पैनल है लेकिन अभी हमारी मेहनत खत्म नहीं हुई है। जो ये बॉर्डर होती है, बॉर्डर क्या होता है कि फ्रेम के अंदर दबी हुई रहती है, तो हमें इसे दोबारा से पूरा क्लीन करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है हमारा रिस्क जोन, क्योंकि बॉर्डर पे सर्किट भी होता है और बॉर्डर पे पैनल बहुत पतला भी होता है, जिस कारण से पैनल डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरी चीज, पैनल के एक साइड में होता है कॉप आईसी, भी डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। फ्रेम खोलने के बाद में बहुत सावधानी से काम करें। तो आपने अभी तक जो मेहनत की है, अगर थोड़ी भी गलती होती है तो आपकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। अगर ये पैनल का क्रिस्टल ग्लास डैमेज हो गया तो हमें पैनल ही रिप्लेस करना पड़ेगा। देखिए लगभग लगभग साफ हो गया है। देखिए हमने इसे पेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है और इसके नीचे भी एक पन्नी होती है। धीरे धीरे हमें उसे एक हाथ से खींचना है और दूसरे हाथ से हमें उसे पेस्ट करना है। देखिए पूरा टेस्ट हो चुका है हमारा पोलराइजर। अब हम इसे ऑन करके देखेंगे। सभी जगह से, कॉर्नर से, बॉर्डर से अच्छे से टेस्ट हुआ है। तो ये हमारा सभी जगह से अच्छे से टेस्ट हो गया है पोलराइजर। हम इसे ऑन करके देखेंगे। सेट ऑन हो गया। पिक्चर क्वालिटी
एकदम क्लियर। अभी पैसेट खुला है, मैं आपको वैसे तो नहीं दिखा पाऊंगा, फिर भी ये देख लीजिए। चलिए अब हम इसको पैक करेंगे टीवी को। तो ये हमारा सेट हो गया है पैक, और हम इसे चेक करके देखेंगे क्या पिक्चर क्वालिटी है और कैसी पिक्चर हमें देखने वाली है। ये हमने सेट करा रखे हैं। अब हम इसमें ऑडियो वीडियो कनेक्ट कर देते हैं। तो ये देखिए सेट ओके हो गया है। जो भी उसमें रफनेस थी अब वो कुछ नहीं आ रही है, पहले जैसा पैनल हो गया है ओरिजिनल।